माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पालना है। माँ मरुस्थल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आँखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ ममता की धारा है, गालों पर पप्पी है। माँ बच्चों के लिए एक जादू की झप्पी है। माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूंक से ठंडा किया कलेवा है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधे का नाम है। माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चों की चोट पर सिसकी है। माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथ का छाला है। माँ जीवन की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता। माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और आज हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे। जी हाँ, 2018 का मदर्स डे फिर से आ गया है और मैं फिर से आ गया हूँ आपके साथ एक खास प्रोग्राम लेके। और जहाँ पे हम पिछली बार आपके लिए एक और खास प्रोग्राम लाए थे मदर्स डे पे और हमने कुछ मदर्स से आपकी बात करवाई थी, वहीं हमने सोचा कुछ और लोगों से भी बात की जाए। इस बार जो हम आपके लिए कुछ लोगों को लाए हैं जो हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं आज के, उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे। और खास बात ये कि आज जिन लोगों को हमने चूज किया है शायद उनको हमसे ज्यादा बेहतर पता है माँ के बारे में, मम्मी के बारे में, क्योंकि उन्होंने एक जिंदगी का एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस उनके पास है, उनके पास बहुत अनुभव है जिंदगी का। और हकीकत में बहुत लंबा एक्सपीरियंस जो है वो उन्होंने देखा है अपने साथ, अपनी कई पीढ़ियों को उन्होंने देखा है अपने आंखों के सामने से गुजरते हुए।
जरूरी है कि वो लोग बताएं कि ये जो दिन है, ये जो डेज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मदर्स डे हो या ऐसे कोई भी त्योहार या दिन आप जिनको कह लीजिए जो हमें दूसरी कल्चर से मिल रहे हैं और उनके लिए हम बात करते हैं अक्सर, तो और रेडियो पे भी, जब रेडियो टीवी और जब सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया या टीवी रेडियोस पे जब आप देखते हैं तो बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, बहुत कुछ उजाले में नजर आता है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। क्या सब कुछ इतना अच्छा है, हकीकत यही है या हकीकत कुछ और भी बयां करती है? आज मैं आपको फिर से एक जगह लेकर आ गया हूँ। इस टाइम मैं छतरपुर, जो आपने एक मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर वो सुना होगा दिल्ली में, छतरपुर से लगभग 8 किलोमीटर दूर फतेहपुर एक बेड़ी एक जगह है, वहां पे हम आपके लिए रेडियो की तरफ से आए हैं, रेडियो उड़ान आपके लिए वहां पर पहुंचा है आज। यहाँ पे एक ओल्ड एज होम है, वृद्धाश्रम है यहाँ पे, जहाँ पे लगभग 17 जन रहते हैं, महिला पुरुष दोनों हैं, और ये एक क्रिश्चियन ओल्ड एज होम है। और मैं अगर आपको बताऊं तो इस जहाँ पे ये ओल्ड एज होम है, इसका नाम है क्रिश्चियन दिल्ली फ्रेंड इन नीड सोसाइटी फतेहपुर बेड़ी। ये उन लोगों के लिए, शायद जो रिकॉग्नाइज कर पाए, थोड़ा सा पहचान पाए कि हम बात कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ के लिए कर रहे हैं। और मदर्स डे सेलिब्रेट करना, अक्सर हमने लोगों के साथ बात की, टेलीफोन पे आपके कॉल्स लिए, सब कुछ किया, लेकिन ओल्ड एज होम में आना और उन लोगों के साथ जो अपनी जिंदगी की दूसरी इनिंग में है, सेकेंड इनिंग में है, और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और किस तरह से ओल्ड एज होम में रह रहे हैं और किस तरह की चीजें उनके साथ हैं, वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है। हम इन सबसे थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे, कहाँ से हैं, कैसे यहाँ पर आना हुआ, और इनकी अपनी राय क्या है अपनी माँ के बारे में, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सब अपने व्यूज रखेंगे और साथ में मदर्स डे की बात या मदर की बात सब बताएंगे। हालांकि इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इतने सीनियर जो हैं हमारे, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनसे उनकी माँ के बारे में जानना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार एक्सपीरियंस होने वाला है मेरे लिए भी, और जब आप इसे सुन रहे हैं तब आपके लिए भी ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव बहुत मजेदार होगा। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना इंट्रोडक्शन का सेशन, सबके साथ बात करेंगे। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लगभग 17 लोग हैं, लेकिन कुछ लोग शायद हेजिटेट करते हैं, बात ना कर पाए, और कुछ लोग आज चर्च में हैं, तो जितने लोग हमको अभी मिल पाए और जितने लोग हमारे साथ बात करने के लिए रेडी हैं, उनके साथ हम बात जरूर करेंगे यहाँ पे। और सबसे पहले चलते हैं, इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद बात को और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे मैं अपने लेफ्ट एंड से, मेरे पास अभी 5 लोग हैं जिसमें 2 मेल और 3 फीमेल हैं, और चलिए मैं अपने लेफ्ट से स्टार्ट करता हूँ और इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं और इंट्रोडक्शन में पूछ लें कि ये कहाँ से हैं। जी, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम कुलवीर सिंह है। जी कुलवीर सिंह, आप कहाँ से हैं? मैं आगरा से हूँ। और कुछ बताएं थोड़ा सा अपने बारे में। मैं तो आगरा में फैक्ट्री में काम करता था। जी, तो फिर मैं बीमार पड़ गया। हाँ, वहाँ से मेरे ने अपने भतीजे को फोन करा जो यहाँ पे बुराटी के पास संत नगर है। जी, वहाँ रहते हैं, तो उन्होंने मेरा यहाँ इंतजाम करा रहे। और फैमिली कहाँ है आपके, बच्चे? अपने बच्चे? बच्चे नहीं है, बच्चे है ही नहीं, नहीं। ओके, ये बता रहे हैं कि इनके बच्चे नहीं है, इनकी भतीजी ने इनको यहाँ पे। कितना वक्त हो गया आपको यहाँ पे? मैं आ गया 2013 में। 2013 में यहाँ पर आए थे, लगभग 5 साल हो रहे हैं इनको यहाँ पे। जून महीने में आया। जी, जून में आए थे, तो जून जब आएगा आने वाला तो इनके पूरे 5 साल पूरे हो जाएंगे। चलिए, ये हैं कुलवीर, इनसे हमने पूछ लिया। आगे मैं और थोड़ा सा आगे लेफ्ट में आ रहा हूँ और इनसे आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है स्टेला चरण। जी, आप कहाँ से हैं? मैं बॉम्बे से हूँ। और यहाँ पे कैसे आना हुआ? ऐसे आए कि घर में कुछ प्रॉब्लम है बहू से, तो वो नहीं चाहती मुझे घर में रखना, उसने मुझे यहाँ आना पड़ा है। और बेटे सपोर्ट नहीं करते? नहीं, बेटा नहीं सपोर्ट करता। और फिर यहाँ पे कितने वक्त हो गया आपको? मैं आई हूँ 2014 में आई हूँ, नवंबर 26 को।
अच्छा, नवंबर 26 को 2014 में यहाँ आए, इनको भी लगभग 4 साल हो जाएंगे आने वाले नवंबर में, तो लगभग देखिए कि लगभग 4-4, 5-5 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं। और थोड़ी सी जो प्रॉब्लम इन्होंने बताई वो मैं वही बात करने वाला हूँ आगे प्रोग्राम में आपके साथ, कि क्या बच्चे अपनी माँ को एक्सेप्ट करने में, या जिन माँ बाप ने, माओ ने अपनी बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को शुरू से लेके आगे तक बढ़ाया, बढ़ा किया, सबको सिखाया, क्या कुछ जो इनकी सेकंड इनिंग में एक्चुअली बोलता हूँ उन्हें, उनमें बच्चे उनको सपोर्ट नहीं कर सकते? बहुत बड़ा सवाल है। बड़े बड़े शहरों में भी ये समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। ओल्ड एज होम की एक परंपरा आप देखते हैं जहाँ पे लोग बड़े शान शौकत से अपने माँ बाप को छोड़ के जाते हैं, क्या ये हिंदुस्तान का कल्चर कहता है? मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगले जो हमारे साथ हैं उनसे भी बात करते हैं। जी, आपका नाम? बॉबी। कहाँ से हैं आप? मैं गाजियाबाद। गाजियाबाद से। और यहाँ पे कब से रह रहे हैं? यहाँ 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए हैं। तो घर से यहाँ पर आना क्या, क्यों आए हैं? घर वाले लड़ाई झगड़ा करते हैं, रखते नहीं है। और कितने बच्चे हैं आपके? हमारे यहाँ आ गए। बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं हैं। तो घर वाले आपको तैयार नहीं है घर पर रखने के लिए? जी देखिए, इनकी भी वही प्रॉब्लम है। हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत समस्याएं लोगों के साथ हैं वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। माँ को सब याद करेंगे, उस पर भी हम जरूर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, आगे बढ़ रहा हूँ मैं थोड़ा सा, और फिर आपको बताएंगे हमारे साथ कौन है। जी, अपना नाम बताएं। और कहाँ से हैं आप? मैं रहने वाली हूँ, जिला बिजनौर की हूँ। जी, तीन दिन में मेरे लड़के की सर्विस लग गई थी, जब से दिल्ली आ गए थे। तो अब मैं शास्त्री नगर से आई हूँ। अच्छा, कितना वक्त हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए? मेरे को 6 साल हो गए। यानी कि 2012 में आए होंगे? मेरे हस्बैंड बेसिक डॉक्टर थे, जब उन्हें 2 दफा अटैक हो गया था जी, तो उस मजबूरी से मुझे यहाँ होम में आना पड़ा। तो बच्चे ध्यान नहीं रखते घर पे? बच्चे अपने अपने में मस्त हो गए, कुछ तो किसी के साथ तो मजबूरी है, किसी बच्चे के साथ तो मजबूरी है, घर छोटा है, किसी के साथ कुछ टेंशन है, कुछ ना कुछ तो टेंशन होगी जो यहाँ होम में पड़े। बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो समस्या है, तभी आप वो बता रही हैं कि वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से ओल्ड एज होम में रहना पड़ रहा है। चलिए, मैं अपने और थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। आप अपना नाम बताएं। रामनारायण। रामनारायण, कहाँ से हैं आप? वैसे तो इलाहाबाद के हैं। अच्छा, इलाहाबाद से हैं। और यहाँ 35-40 साल दिल्ली में रह रहा हूँ। दिल्ली में 35-40 साल से हैं। और यहाँ पे, इस यहाँ पे कब से हैं? 2010 से आया हूँ। 2010 से। घर पे आप, बच्चे कितने आपके? बच्चे होते तो यहाँ क्या करते? बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि बच्चे होते तो यहाँ क्या करते, मतलब कोई नहीं, तो फैमिली में कोई तो होगा? हम ही है बस। जी, ये कह रहे हैं कि फैमिली में और कोई नहीं है, सिर्फ यही है। जी, आप अपना नाम बताएं। मीरा देवी। हाँ, मीरा देवी। कहाँ से हैं? बसंत कुंज से। बसंत कुंज। कितने दिन से यहाँ पे रह रहे हैं? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए हैं। और घर पे बच्चे? अपना कोई भी नहीं है। अपना कोई भी नहीं है। ओके, तो ये हैं जो बसंत कुंज दिल्ली से हैं, 7 साल से यहाँ पे हैं। ये सारे लोग हमारे साथ हैं जिनके साथ आज हम बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं मदर्स डे पे। और आपने सुना कि यहाँ पे लगभग हमारे साथ मेल्स भी हैं और फीमेल भी हैं, और जानने की कोशिश यही है कि सब लोग अपने फैमिली से दूर हैं, कुछ के साथ फैमिली है नहीं, और जिनकी फैमिली है उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया अपने फैमिली बनाने के बाद, जब जो आपके घर में बुजुर्ग हैं उनको छोड़ दिया है ओल्ड एज होम में।
के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे, गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। हम जिसने चलिए हम वापस हैं आपके साथ फिर से, और आज हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे तरीके से मदर डे सेलिब्रेट कर रहा हूं मैं आपके साथ। आज हम विशेष नहीं ले रहे हैं, मैं एक्चुअली कोशिश कर रहा हूं कि हम आपको वो हकीकत दिखाएं जिसको शायद हमारे श्रोता जानना चाहते हो, सुनने वाले जानना चाहते हो, जिंदगी की हकीकत क्या है वो बताने की कोशिश। मदर्स डे पे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत कुछ आपको दिखाया जाता है टीवी में, रेडियो पे, न्यूज़पेपर में, आप देख लें आपको हर जगह रंगीन कलर्ड पेपर्स मिलेंगे, बहुत कुछ चकाचौंध मिलती है ऐसी बातें जो शायद आपको लगता है कि सब कुछ दुनिया में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन क्या ऐसा हकीकत में है ये देखने की बात है। हम आपके साथ आज फतेहपुर बेड़ी फ्रेंड इन नीड क्रिश्चियन सोसाइटी में है, यहाँ पे एक ओल्ड एज होम है जहाँ पे हमारे साथ अभी 6 लोग हैं जो बात कर रहे हैं हमारे साथ, फीमेल्स भी हैं मेल्स भी हैं, और उनके साथ किस किस तरह की तकलीफें हैं, किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो माताएं हैं, जो मदर्स हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा सब कुछ किया उनके लिए, और आज क्या वो ओल्ड एज होम में हैं, तो क्या ये हम सच में मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए मैं फिर से आपके पास वापस आ रहा हूँ, हमारे साथ जो कुछ सीनियर सिटीजन हैं, मदर्स हैं, उनसे बात करेंगे। आप थोड़ा सा बताएं कि यहाँ पे जब आप रह रहे हैं इतने टाइम से, तो क्या किस तरह से लगता है कि आपने अपने बच्चों को रखा, या और जो मदर्स डे लोग मनाते हैं आज माँ का दिन मनाते हैं और उसके बाद आप घर पे नहीं हैं अपने, तो क्या कहेंगे उस बारे में? मैं ये कहूँगी कि बच्चे तो हो गए तो खत्म हो गए, और मैं साथ साथ तैयार हूँ, ठीक हूँ। अच्छा, मुझे अच्छा लगता है, रिश्तेदार की तरह सब लगते हैं, और कोई तकलीफ नहीं है मुझे। आज हम मदर्स डे मना रहे हैं, तो आप
कैसे बताएंगे आपकी मम्मी की आपकी यादें, आप बहुत वक्त हो गया है तो मम्मी की यादें जो हैं कुछ बताएं हमारे सुनने वालों को। याद तो आती है पर क्या करें, क्या खास बात थी मम्मी की जो आपको कभी भूलने को भूल नहीं पाते चाचा से? मम्मी मारी है ही नहीं, 50 साल हो गए। हाँ, जब थी तब की कोई बात याद आती हो? अच्छी थी, आना जाना जाता था, अच्छी थी। कोई कभी कोई घटना याद आती हो जो हमारे साथ शेयर बताना चाहते हो? घटना तो मेरे साथ हुई हुई है। हाँ, घटना तो मेरे साथ हुई है। दो बार गिर के थी, हड्डी टूट गई। अच्छा। और पैरों पे सूजन आ रही है इस टाइम जी। तो ये बता रहे हैं कि घटना इनके साथ हुई है, चोट लग गई है, चलने में प्रॉब्लम होती है। आपकी मम्मी जब थी आपके साथ तो कितना ध्यान रखते थे आप लोगों का सबका? बहुत ज्यादा। और मम्मी बहुत प्यार करती थी? करती थी। तो इनके बता रहे हैं कि इनकी मम्मी इनके साथ बहुत ध्यान से इनको रखती थी और बहुत प्यार करती थी। यही खास बात है कि एक खास दिन हमने चूज किया है। कुछ लोग इस दिन को बड़े शान शौकत से मनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा दुख इसी बात को देख के होता है कि आज जब हम ये दिन मना रहे हैं, लेकिन ये जो दिन मनाने का तरीका है शायद ये उतना अच्छा ना हो। आप कोशिश करें कि आप उन लोगों की मदद करें, उन लोगों के साथ रहें, जुड़ें जो शायद अपनी फैमिली के साथ ना होकर शायद उनसे दूर रह रहे हैं। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा सा फिर से। अभी हमने इनका इंट्रोडक्शन लिया था, इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। जी, आप बताएं थोड़ा सा कि मदर्स डे जैसे आज हम लोग मना रहे हैं, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में भी अब ये माँ का दिन मनाया जाता है, क्या कहना चाहेंगे, कुछ बताएंगे? क्या कहें, कैसे देखते हैं, कैसे याद आती है आपको, आपको अपनी मम्मी की? अगर खत्म हो गई बात, प्यार वार कुछ नहीं, कुछ नहीं है, सही कहना। और कभी कुछ याद आता हो? कोई याद आने का सवाल है नहीं, कोई सवाल नहीं है, मर गया खत्म। इतनी नाराजगी क्यों? अरे जब कुछ कोई स्टोरी नहीं तो क्या बताऊं? जी ये कह रहे हैं कि सवाल नहीं है, जो मर गया उसका जिक्र क्या करूं। और आजकल के बारे में क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहते हैं आजकल? हाँ, आजकल जो है बच्चे हैं, माँ बाप का ध्यान रखते हैं या ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं शादी होने के बाद, कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में? ये तो बाल बच्चे वाला ही बता सकता है। जी, वो कह रहे और हमारे साथ हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि ये इनके बच्चे हैं और ये बता सकते हैं। चलिए जल्दी से इनके पास आ जाते हैं और इन्हीं से बात करते हैं कि क्या कहेंगे आप बताएं। अच्छा, मदर्स डे के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? इसके बारे में, माँ का दिन जो मना रहे हैं आज, सब लोग अपनी माँ को याद कर रहे हैं। माँ तो मुझे 4 साल का छोड़कर मर गई थी। मैंने तो माँ का दिन नहीं देखा। अच्छा, ये बता रहे हैं कि जब ये 4 साल की थी तब इनकी मम्मी का देहांत हो गया था। जी, आज समाज स्कूल था, दाखिल कर दिया था, छठे तक पढ़ी थी हिंदी जी, बस उन्होंने आगे पढ़ाया ही। 14 साल की उम्र में शादी कर दी थी जी। और आज आज आपकी उम्र क्या है? आज उम्र क्या है आपकी? आज उम्र जी, उम्र क्या पूछो, 86 साल की होगी। देखिए 86 साल के हो गए, बहुत लंबा। और क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर आप हैं, कभी मन करता है कि अपने घर होते, अच्छे से होते? अब क्या, अब जैसे तबीयत ठीक नहीं होती, कभी चला फिरा नहीं जाता जी, मन कर रही है तो ये बच्चे हैं, ये बहुत काम आ रहे हैं, ये काम आ जाए। अच्छा, ये बच्चे जो यहाँ पर हैं बहुत ध्यान रखते हैं। और कभी अपने बच्चों के बारे में कुछ और याद आता हो? कुछ नहीं याद आता, कुछ याद नहीं आता। ये कुछ समझौता है कि बस याद नहीं करना चाहते ए? मतलब बच्चों को याद ही नहीं करना चाहते? याद करो तो क्या है, या पिछली बार से याद तो आती है, खाली टाइम में जो कुछ काम नहीं होता तो है ना जी। जवानी में तो मेरे पास बहुत काम था, उनके साथ लगी रहूंगी, डॉक्टर थे, इंजेक्शन लगाना, शुरू करना, ये करना, दवाई देनी, करती करती रहूंगी। अब कुछ काम नहीं है, कुछ बीमार सीमार रहूं, ऐसा ही हो गया था। जैसे आप बता रहे हैं कि बच्चे भूल जाते हैं और
जब आपके अपने बच्चे थे उनका बहुत ध्यान रखा, अब बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो लोग सुन रहे हैं हमको इस टाइम? कुछ नहीं, बिल्कुल ये भी कुछ नहीं कहना चाहते। और ये देखिए, ये वो बात है जो शायद बहुत से लोग हमारे साथ बताना नहीं चाहते हैं, शेयर नहीं करना चाहते, या कुछ यूं कह लीजिए कि वो जो प्रॉब्लम से जो दिक्कतें थी शायद उनको शेयर करने में हेजिटेट होता है, और हो सकता है कि इस बात का दुख भी हो कि क्यों उन बातों को दोहराया जाए, क्यों उनको याद किया जाए जो शायद बीत चुका है। और क्या यही सही तरीका है, जो आपको आपका ध्यान ना रख सके, जो आपके लिए कुछ ना कर सके, शायद अच्छा है कि आप अपने बारे में सोचें और उनको भूल जाएं, ये एक तरीका हो सकता है। बेहतर क्या है वो हमें नहीं पता, वो सब अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, सब अपनी सोच के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आगे फिर हमारे साथ एक जन और हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं इसी बात को लेके। आप बताएं मदर्स डे के बारे में। महिला दिवस नहीं, माँ का दिन। माँ का दिन महिला दिवस। महिला दिवस तो अलग है, आज के दिन सब लोग अपनी मम्मी को याद करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, मम्मी को शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने, माँ ने उनके लिए जो भी किया, और जो गलतियां बच्चों से कभी हुई है या नहीं उसके लिए माँ को थैंक यू बोलते हैं, याद करते हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? हम क्या कहें, हमारी माँ तो आएगी, और जब थी तब कुछ बताएं सुनने वालों, तब याद करते थे, अब याद नहीं करते। अब याद नहीं करते कभी? माँ कितना प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी या कुछ कम प्यार करती थी, कुछ बताएंगे? प्यार करती थी। कितना वक्त हो गया माँ को अब? कई साल हो गए। कई साल हो गए हैं। और कोई बात याद आती हो बचपन की आपको अपनी, जब मम्मी की कोई खास बात हमारे साथ ऐसी शेयर करें जो मम्मी की कोई बात याद हो जब बचपन में आपने कुछ किया और मम्मी ने फिर आपको समझाया हो या बताया हो, कुछ भी ऐसा? कभी कभी याद आती है घर वालों की, वैसे नहीं आती। तो कोई कहानी बताना चाहेंगे सुनने वालों को, माँ की कोई कहानी अपने घर की? कहानी नहीं आती है। कहानी नहीं है इनको याद, कुछ भी नहीं याद अभी। तो चलिए ये भी कुछ नहीं बता पाए हमें, और चलिए आगे और मैं थोड़ा सा बढ़ रहा हूँ, वो शायद उम्मीद है हमें कुछ बताएं थोड़ा सा। आप बताएं थोड़ा सा। हमारी मम्मी बहुत अच्छी थी जी, वो हम पांच बहन थे, एक भाई थे जी, और हमारी मम्मी हमको बहुत प्यार करती थी, बहुत मेहनत की हम लोग के लिए, बहुत प्यार से बढ़ा रखा, अच्छा अच्छे स्कूल में डाला, अच्छा पढ़ाया लिखाया, ट्रेनिंग करवाया, शादी करवाया। कभी भी हमें अपनी माँ की बहुत याद आती, बचपन की बहुत याद आती, माँ ऐसा करती थी वैसा करती थी, तो हम अभी भी अपने माँ को बहुत याद करते और हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते। और कितनी बातें, कुछ ऐसी कहानी जो आप बताना चाहें? कहानी तो बहुत है, अभी याद नहीं है वैसे। फिर भी कोई एक आध कहानी जो कभी आपने कोई शरारत की हो या कुछ याद? शरारत तो हम बहुत करते थे और माँ हमें मारती भी थी, उन्होंने एक छड़ी रखी थी बेच के हमें को मारती थी। तो सबकी पिटाई होती थी? सबकी तो नहीं, मेरी होती थी और मेरे भाई की होती थी। कुछ खास वजह, आप ज्यादा शरारती थे या बड़े थे? घर में दो ही लोगों की पिटाई होती है, जो शरारती हो या ज्यादा बड़ा हो? तीन बहना बड़ी थी, भाई भी बड़ा था, मैं मतलब सेकंड लास्ट थी, मेरे से एक छोटी बहन और थी जी, तो वो मेरे से 9 साल छोटी थी। तो मतलब मैं छोटी थी तो मुझे सब बहुत प्यार भी करते थे, और मैं मतलब बहुत शरारत करती थी तो मेरी मम्मी मारती भी थी हमको। तो बाकी मतलब कभी कोई ऐसी बात याद आती हो आपको, या जो आपने अपनी माँ से सीखी हो, अपनी मम्मी से सीखी हो? हमने माँ से और अच्छी अच्छी बातें सीखी है जी, वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा सीखा हो जो फिर आपने अपने बच्चों के साथ की, हमारी माँ ने हमारे साथ ऐसा किया और इतने अच्छे से हमें पाला पोसा, फिर वही आपने अपने बच्चों पे कभी किया हो, उनके लिए किया हो, कुछ एक दो बातें हमारे साथ शेयर करना चाहें? शेयर तो मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ मेरा लड़का, मतलब मेरी लड़का भी मेरी माँ के पास रहा, मैं दिल्ली थी मैं और मेरा लड़का बॉम्बे में मेरी माँ के पास था, तो अपने मेरे लड़के को भी बहुत प्यार करती थी, उसको भी अच्छी तरह देखती थी, तो वो भी अभी मेरी माँ को बहुत याद करता है कि हमारी नानी बड़ी अच्छी थी। अच्छा, ऐसा है। तो ये बता रहे हैं कि ये अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं और इनको माँ भी बहुत प्यार, अभी भी याद आती है, अभी भी याद करते हैं अपनी माँ को। कहते हैं कि कुदरत की बहुत बड़ी नेमत है माँ, और एक कहावत भी है भगवान सब जगह नहीं है, क्यों इसीलिए उसने माँ को बनाया है, क्योंकि माँ
सब जगह हो सकती है, सब जगह भगवान का होना शायद संभव नहीं, इसलिए माँ को बनाया गया कि माँ सब जगह रहे और हर एक बच्चे का ध्यान रखे। और शायद यही खास बात है इस रिश्ते की कि माँ अपने हर बच्चे का बहुत ध्यान रखती है। माँ का बच्चा कैसा भी हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो उसे, किसी भी तरह की समस्या हो, तो शायद माँ कभी भेदभाव नहीं करती। हमारे पास और एक हैं, चलिए उनसे भी बात कर लेते। जी आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे अपनी माँ के बारे में? मैं ऐसा है जी कि मैं जब 4 साल का था जी तो मेरी मदर की डेथ हो गई। अच्छा। मेरी पैदाइश 1943 की है और मेरी मदर की डेथ 1947 16 अक्टूबर को हो गई थी जी। तो मुझे 16 अक्टूबर याद है। बस इनको बहुत डेट याद है, वो शायद बहुत छोटी उम्र में थे। कि मेरे पिताजी ने दूसरी शादी नहीं करी जी, उन्होंने मुझे पाला फिर पोसा। तो जब आपके पापा ने आपको पाला पोसा तो कभी मम्मी के बारे में बताते होंगे कि मम्मी कैसी थी? बताते थे मगर वो तो मुझसे यूँ कहते थे तू बजने से भी कि तू आते माँ को मार दी। जी ये एक कई बार ऐसी कहावत लोग कहते हैं ऐसा कि शायद किसी के आने से कोई चला जाए, शायद ऐसा होता नहीं है, ये सब कही जाने वाली बातें हैं। और लेकिन सब अपनी माँ को बहुत याद करते हैं। जो हमारे साथ यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं, जो हमारे साथ अपनी बात रखना चाहते हैं रख रहे हैं, और कुछ लोग शायद नहीं रखना चाहते। बहुत सी वजहें हो सकती हैं इसकी, हम और आप शायद उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि सब लोग अपनी बातें शेयर करें, सब लोग इतने सहज होके वो बातें आपको बता सकें जो शायद हम जानना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह का व्यवहार जो शायद आज अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं, जिन बच्चों ने अपनी माँ को अपनी माँओं को कहीं दूर भेज दिया है या अपनी फैमिली की किसी भी रीजन से किसी भी कारण से उनको दूर भेज कर, शायद उनको ये लगता है कि वो काफी खुश रह रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, आने वाला वक्त शायद उनको क्या दिखाएगा ये हम भी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, सुना जरूर है कि अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे या किसी के जैसा आप करेंगे वैसा ही वक्त आपको भी आने वाले टाइम में जरूर मिलता है। गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ। घर बार नहीं संसार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही गाता हूँ खुशी के गीत मगर गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर काया तकदीर कमारा हूँ आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ आवारा।
वेलकम बैक, मैं हूं आरजे नरेश, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। हम कर रहे हैं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम। जी हां, मदर्स डे सेलिब्रेशन चल रहा है और हम भी मदर्स डे पे आपके लिए एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम लेकर आए हैं। इस टाइम छतरपुर से लगभग 8 किलोमीटर दूर फतेहपुर बेड़ी में मैं हूं आपके साथ, जहां पे एक सोसाइटी है जिसका नाम है फ्रेंड इन नीड सोसाइटी। और यहां पे जो लोग हमारे साथ हैं वो एक एक ओल्ड एज होम में हैं। 6 लोग मेरे साथ हैं जो हमारे साथ बातें कर रहे हैं, काफी सारे एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर करने की कोशिश की। और हालांकि कुछ लोग उसमें शायद इतने सहज नहीं हो पाए कि वो अपनी बात रख पाए, और हमने उनसे पूछ लिया, इंट्रोडक्शन हो चुका है, बातें पूछ ली हमने उनसे जो हम जानना चाहते थे। अब क्योंकि यहाँ पे एक बहुत लंबा वक्त इन्होंने बिताया है, काफी सालों से लोग इस एनजीओ में या वृद्धाश्रम में, आप कहें ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, तो इनसे ये जानना जरूरी है कि यहाँ का जो एक्सपीरियंस है इनका वो कैसा है, कैसे यहाँ पे रह रहे हैं, क्या खुश हैं, कितनी तरह से सेटिस्फेक्शन इनको यहाँ पे मिल रहा है, और क्या जो शायद अपनापन इनको मिलना चाहिए था अपने घर से अपनी फैमिली से वो नहीं मिला, तो यहाँ पे कंडीशन अब कैसी है। पहले हमारे साथ हैं, चलिए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछेंगे कि कैसा उनका एक्सपीरियंस है। थोड़ा सा बताएं कि यहाँ पे आप इतने लंबे टाइम से रह रहे हैं तो कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ का, कैसा अनुभव है यहाँ का? यहाँ का ठीक है, यहाँ का मैं तो यहाँ पे 5 साल के करीब हो गया जी। 2013 में आया था और 2000 जून में। हाँ, अब जो मैंने बात 5 साल पूरे हो जाएंगे तो कैसा लगता है यहाँ पे, फैमिली जैसा माहौल मिलता है? फैमिली जैसा माहौल तो है। और किस तरह की सुविधाएं आपको दे रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हमें सब कुछ सुविधा है, खाने पीने की, मेडिसिन की, किसी चीज की हमें तो रहने खाने और दवाइयों की सब सुविधाएं यहाँ पे इन्हें मिल रही है। और अगर आप कुछ बात करें आपके शौक की तो क्या शौक है आपके, कुछ बताएंगे किस तरह की? शौक तो था कि उस जमाने हमारे टाइम में ज्यादातर ट्रांजिस्टर रेडियो चला करते थे जी, गाने सुनते थे अपने, तो गाने सुना करते थे। गाने सुनने का शौक है अभी भी? अब नहीं रहा। अब नहीं रहा? अब जैसे भी उम्र बढ़ती गई जैसे शौक खत्म होते गए। पिक्चर देखा करते थे उस जमाने, पिक्चर खेले गए तो कोई पिक्चर जो आपने देखी हो कभी याद आ रही हो, कोई पिक्चर ऐसी जिसका नाम याद आ रहा हो आपने देखी हो? मैंने कई पिक्चरें देखी है, राज कपूर की बरसात, आवारा, 420, देवानंद की। तो फेवरेट एक्टर कौन था? मेरा देवानंद। देवानंद इनके फेवरेट एक्टर थे। चलिए कोई बात नहीं, हम इनके लिए देवानंद जी का गाना जरूर प्ले करेंगे आज अपने शो में और इनको डेडिकेट करेंगे। और अब यहाँ पे कुछ टीवी वगैरह देखने की सुविधा है आपके लिए? हाँ, हमारे यहाँ टीवी है तो टीवी देखते हैं। क्रिकेट वगैरह मैच वैच देखने का कोई शौक? हाँ, पहले हम लोग देखते थे मैच, अब तो खैर रहा है नहीं, आईपीएल का मैच देखते थे अभी पिछले साल हमने देखा। देखिए बिल्कुल क्रिकेट का इनको भी शौक है और पता चल रहा है कितना खुश है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है इन्हें कि मैच देखते हैं और टीवी भी देखते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हिंदी का, इंग्लिश का जो पेपर आते हैं जो भी आता है सब पढ़ते हैं। देखिए ये यही बात है कि मुझे याद आ जाती है वो बात अमिताभ बच्चन की जो ऋषि कपूर के साथ उनकी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार मूवी उन्होंने अभी बनाई है 102 नो डाउट, जिसमें यही दिखाया है कि अगर आपके बच्चे आपके साथ नहीं हैं और आप जिंदगी के उस पड़ाव में हैं जहाँ पे शायद आप अपनी सेकेंड इनिंग में हैं, तो जिंदगी को जितना खुश रह के खुद बेहतर तरीके से जिया जाए वो जरूरी है। और उसका ही नज़ारा है ये कि यहाँ पे इस तरह से माहौल है और ये खुश हैं। और इन्होंने हमें पिक्चर्स के नाम बताए, मूवीज देखते थे, गाने सुनते थे। कोई फेवरेट गाना भी आपको याद आ रहा हो तो हम आपके लिए प्ले कर सकते हैं। हाँ, कोई गाना हमें गाकर बता दीजिए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज? ये सुना दीजिएगा, जाल का, देवनंद की का, तो ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जाए दिल की दास्तां। अच्छा लगा बहुत आपके साथ बात करके, शुक्रिया। शुक्रिया। ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां।
ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक लौट जाएगी रात ये बहार की, फिर कभी न आएगी। दो एक पल और है ये समां, सुन जा दिल की दास्तां। होंठों पे धीमा धीमा राग है, लहरों के होंठों पे भीगी हवाओं में ठंडी ठंडी आग है, इस हसीन आग में तू भी जल के देख ले, जिंदगी के गीत की धुन बदल के देख ले। खुलने दे अब धड़कनों की जबान, सुन जा दिल की दास्तां। बहारे हैं उठती जवानियां, जाती बहारे हैं तारों की छाँवों में कहने कहानियां। एक बार चल दिए कर तुझे पुकार के, लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। एक बार चल दिए घर तुझे पुकार के, लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। आ जाए अभी जिंदगी है जवान, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, दास्तां, दास्तां। चलिए मैं जल्दी से बढ़ रहा हूँ आगे, और अगले जो हमारे साथ हैं उनसे भी बात करें और उनसे भी पूछें उनका अनुभव कैसा रहा है यहाँ का। अब तक का बताएं, यहाँ का कैसा अनुभव है आपका? यहाँ बहुत अच्छा लगता है, हमें सब सुविधा है, किसी बात की दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, खाने पीने की, नहाने धोने की, दवाई ववाई की सब महीने में हमें हॉस्पिटल से दवाई मिलती है, एक महीने की जी, और सब ठीक है।
कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। और जो यहाँ पे स्टाफ है वो कैसा है? सब भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं बच्चों की तरह। और हमने भी पूछा था, आपसे भी पूछ रहे हैं वही सवाल, क्या क्या शौक है आपके अभी भी और जब पहले थे? अभी तो कोई शौक नहीं है, बाकी तो अभी पिक्चर देख लेते हैं टीवी पे, पुरानी पिक्चर देख ले। नई पिक्चर देखने का शौक है? पुरानी पुरानी। आप किसकी पिक्चर देखते हैं? पुरानी हीरो की। कौन कौन से? जैसे राजेश खन्ना और दिलीप कुमार, बस अशोक कुमार, इनकी पिक्चर देखते। कोई पिक्चर याद आती हो? बहुत पिक्चर। शायद आपने सबसे पहली पिक्चर अगर देखी हो, कौन सी देखी थी जो आपको याद? ये याद नहीं कौन सी देखी थी। चलिए, कोई गाना जो आप सुनना चाहें हम आपके लिए गाना प्ले करेंगे आज, कौन सा गाना है जो आपको बहुत याद आता है या कोई फेवरेट सॉन्ग? याद तो बहुत से गाने हैं, अभी कोई याद नहीं है अभी कोई गाना। कोई सा भी बता दीजिए याद, जो आपको फेवरेट हो, जो अचानक याद आता हो, जब भी गाने सुनने की बात हो तो मन करता हो यह गाना सुनना चाहिए। कौन सा गाना बताओ, याद नहीं है कोई गाना। बिल्कुल अभी कोई गाना याद नहीं आना। चलिए, इनके लिए भी हम गाना डेडिकेट करेंगे। और बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, शुक्रिया। थैंक यू, आपको भी शुक्रिया। चलिए, इनको गाना याद नहीं आया, पिक्चर से भी देखते हैं। यहाँ पे एक बात तो मुझे अच्छी लग रही है कि सब लोग पिक्चर देखते हैं, यानी कि काफी जिंदा दिल लोग हैं जो मूवीज देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, आईपीएल देख रहे हैं। भाई क्या बात है, आईपीएल का दौर चल रहा है आजकल, और फिर से एक एडिशन आईपीएल का, उसमें भी लोग इंटरेस्टेड हैं। आप भी बताएं थोड़ा सा कि कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ का? ठीक है, रहने के लिए बढ़िया, एकदम बढ़िया है, बहुत खुश है यहाँ पे, खुश है। और किस तरह की हॉबीज या शौक हैं आपके भी, कुछ बताएं हमें। शौक क्या, घूमना फिरना और क्या है? घूमने फिरने का शौक है। चलिए, ये हैं जो बिल्कुल मेरी तरह, मुझसे शौक मिलते हैं, मुझे भी घूमने फिरने का बड़ा शौक है। और पिक्चर वगैरह देखना, गाना वाना, टीवी भी की या क्रिकेट वगैरह? टीवी देख लेता। और कहाँ लास्ट टाइम कहाँ घूमने गए थे जो आपको बता रहे हैं घूमने का शौक है, कुछ याद आता है? यही रहते थे गाजियाबाद जी। इनको घूमने का शौक है और आसपास की जगह घूमते हैं। कुछ बात जो आप सुनने वालों को एक संदेशा देना चाहें, मैसेज देना चाहें, कुछ कहना चाहते हैं? मैसेज क्या है? कुछ भी, कुछ कहना चाहते हैं, सलाह हो सकती है, बुजुर्ग बच्चों को अक्सर सलाहें देते हैं, बताते हैं जिससे आगे उनके काम आए। कुछ नहीं कहना चाहते? चलिए, ये भी कुछ नहीं कह रहे हैं। और मैं जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ, इनसे भी बात करें और पूछें। जी आप बताएं कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ का, जो यहाँ पे आप काफी टाइम से रह रहे हैं, तो किसी तरह की प्रॉब्लम होती है कभी? प्रॉब्लम होती है, वो दवाई वगैरह मिल जाती है जी। ये बच्चे हैं, नीलम है, ये है, ये सब लोग बहुत ध्यान रखते हैं। टीवी पर आप भी देखते हैं, टीवी देखने का शौक है? टीवी पर कोई प्रोग्राम अच्छा हो तो देखते हैं, थोड़ी बहुत देर अब आप दुखने लगी ना जी, तो नहीं देखा जाता। और गाने वाने सुनने का? कोई गाना सुनना हो कुछ बता सकते हैं, हम गाना सुनाएंगे आज आपको। गाना जी, गाना कोई सा भी सुना दो, मैं तो कोई शौक नहीं। अच्छा, कोई सा भी गाना सुना दे। चलिए, इनके लिए भी गाना जरूर हम प्ले करेंगे। भाई हमारे पास डिमांड आ रही है आज बहुत सारी कि कोई गाना इनको जरूर सुनाया जाए। आप बताएं, ये जब से आप यहाँ पे हैं तब से कितना अच्छा है आपको, खुश है एकदम यहाँ पे? मुझे अच्छा नहीं लगता है। नहीं लगता? कुछ दिक्कत होती है? दिक्कत कुछ नहीं है, हमारा जीवन तो पूरा दिखते भी जाए। अच्छा, हम परेशानी बहुत उठाया, परेशानी झेलते हैं, हमारी आदत बनी हुई है, आदत बन गई है यहाँ रह के। कोई हमको अच्छा नहीं लगता, हम तो आजाद परिवार, अकेले घूमने वाले, किसी दोस्ती नहीं, किसी यारी नहीं। ऐसा क्यों? अच्छा पार्क हो, अच्छा हरियाली हो, ऐसी जगह पसंद करता हूँ। हरियाली बहुत पसंद है? हाँ, साफ सुथरा जगह हो, पार्क हो, नहर हो, कोई हरियाली हो, खेती हो, ऐसा जगह पसंद करता हूँ मैं अकेले। अच्छा, अकेले रहना पसंद है? दोस्ती पोस्ती नहीं करते। दोस्ती करने ना करने की कोई खास वजह? खास वजह क्या, नहीं करते हैं बस। नहीं करते हैं बस, खास उसमें क्या है, नहीं बात करना चाहते, नहीं किसी से दोस्ती करते जी। तो ये कह रहे हैं कि कोई खास वजह नहीं है, बस अकेले रहने में इनको
ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा जीवन हमने अकेले बिताया, पूरा जीवन अकेले बिताया, मरने के बाद पूरा जीवन अकेले बिताया। अकेली पसंद है मुझे, मैं तो यहाँ पर पड़ा हूँ, मैं तो घूमने घूमने आला आदमी, चाहे खाना खाया हो चाहे भूखे हो चाहे जैसे हो, मुझे अभी भी घूमने जाते आते रहते हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं, यहाँ तो 24 घंटा बंधे रहते हैं जी। तो वो कह रहे हैं कि नहीं घूम पाते आजकल, घूमना बहुत पसंद है। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं और इनसे बात करें कि इनका कैसा अनुभव रहा है। आप बताएं थोड़ा सा कैसा रहा यहाँ पे, लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और किस तरह से यहाँ पे ये लोग ध्यान रखते हैं, जो यहाँ पे काम करने वाले हैं वो किस तरह से ध्यान रखते हैं आप लोगों का? बच्चों की तरह ध्यान रखते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहते हैं, और या कोई शौक हो, गाना कुछ देखते हो टीवी वगैरह? टीवी कभी कभी देख लेते हैं। क्या देखना पसंद करते हैं टीवी में? कोई सीरियल वगैरह। नाटक देखते हैं? कोई नाटक का नाम याद आ रहा हो? वो देखते थे। हाँ, बाल का वो जरूर है। अच्छा, और कभी पिक्चर उक्चर देखते हैं? गाना वाना पिक्चर की टीवी में देख लेते हैं। कोई गाना याद आ रहा हो जो आप सुनना चाहते हो? नहीं। गाना गाते हैं? कोई गाना आप हमें सुनाना चाहेंगे? आप बता रहे हैं आप गाना भी गाते हैं? मेरा गला ठीक नहीं है, बोला नहीं जाता। अच्छा, गला ठीक नहीं है। वैसे कौन सा गाना गाते हैं, चलिए वो बताइए, हम आपके लिए सुनाएंगे रेडियो पे। ये पंजाबी के गीत होते हैं। कौन सा पंजाबी का? चलिए इनके लिए पंजाबी गाने इनको पसंद है, हम इनको एक लिए पंजाबी गाना जरूर प्ले करेंगे। और ये हैं सब लोग जो अपने बारे में शायद बताना चाहते हैं और बताना नहीं भी चाहते, नाराजगी है शायद, और हम बहुत कुछ नहीं कर सकते क्योंकि शायद हम यहाँ कुछ वक्त के लिए हैं और जितनी बातें शेयर करना चाहते हैं वो उतनी बातें नहीं शेयर कर सकते, शायद हम सबकी परेशानियाँ बांट भी नहीं सकते। बहुत मुश्किल है इतनी चीजें बांटना, इतना लंबा वक्त की जो कड़वाहट है शायद उसे दूर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल, फिर भी उम्मीद है कि बेहतर होगा आने वाला कल, अच्छा होगा। और यहाँ पे हम आपसे ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मैं आपके पास वापस आऊंगा और अब उन लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पे इनके साथ हैं, लगातार बने हुए हैं, इनका ध्यान रखते हैं, कोशिश करते हैं इनको अच्छा वक्त दे पाए, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस इन लोगों के साथ कैसा है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मानी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, चाहत के नगमे चाहे तो आहे सर्द मिली, दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया
बिछड़ गया, बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का सा। किसको फुर्सत है जो था मैं दीवानों का हाथ, हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे, इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे। उफ न करेंगे लब सी लेंगे आंसू पी लेंगे, गम से अब घबराना कैसा गम सौ बार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। वेलकम बैक, वापस आ गया हूँ मैं आपके साथ फिर से। और यहाँ पे वो लोग जिनसे हम अभी बात कर रहे थे वो ओल्ड एज होम में रहते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए जो वृद्धाश्रम है आप कह सकते हैं, और वहाँ पे सब लोग इकट्ठा रहते हैं। लगभग 18-17 लोग हैं यहाँ पे जो रहते हैं। कुछ लोग हमारे साथ बात कर रहे हैं, एक दो की तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ लोग चर्च पे गए हैं, जैसा कि हमने आपको बताया ये एक क्रिश्चियन सोसाइटी है, फ्रेंड इन नीड सोसाइटी, क्रिश्चियन सोसाइटी, फतेहपुर बेड़ी में है हम, लगभग 8 किलोमीटर दूर छत्रपुर दिल्ली से। और यहाँ पे जो स्टाफ है, यहाँ पे केयरिंग स्टाफ है, जैसा आपको सबने बताया जिनसे हमने बात की कि यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान रखता है और कोशिश की जाती है कि इनको हर तरह से खुश रखा जाए। और ज़रूरी भी है कि जो लोग यहाँ पर हैं उनको बहुत, उनका सेंसिटिव होना, उनका बहुत ज़्यादा केयरिंग होना बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। मेरे पास अभी 3 लोग हैं यहाँ पे स्टाफ में जो, जिनसे हम आपकी बात करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनका अनुभव यहाँ पे इन लोगों के साथ कैसा है, जो शायद इनके अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के जो बड़े हैं उनके जैसे ही हैं और शायद उनसे भी ज्यादा उम्र के लोग, जैसा हमने आपको बताया कि 86 ईयर्स के यहाँ पे लोग हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, नीलम जी हैं जो बहुत पुराने वक्त से इस सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं, ओल्ड एज होम से जुड़ी हैं, इन सब के लिए खाना बनाती हैं। और खाने की बात तो ये है कि बड़ा इंटरेस्टिंग काम है ये खाना, मुझे बनाना आता नहीं हालांकि मैं खाने का शौकीन जरूर हूँ। चलिए इनसे बात करते हैं। और नीलम जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में कि यहाँ पे कैसे जुड़ना हुआ इन लोगों से। मैं कहीं काम नहीं करती थी, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ काम करने आई थी जी। यहाँ की जो कुकिंग करती थी वो लेडीज छोड़ के जा चुकी थी, तो यहाँ के लोग काफी प्रॉब्लम में थे। तो फिर मेरी वार्डन ने मुझे बुलाया घर जाके मेरे कि आप यहाँ आओ और खाना बनाओ। ज्यादा दिन नहीं, 15 दिन के लिए मैं आई थी। अच्छा, तो 15 दिन फिर रहने के बाद मुझे अच्छा लगने लगा, तब से लेके मैं आज तक यहाँ काम कर रही हूँ। कितना वक्त हो गया आपको यहाँ पे? मैं 2013 में आई थी 17 सितंबर को और 18 चलिया, तो इनको लगभग 5 साल हो गए यहाँ पे लगातार। और ये सिर्फ 15 दिन के लिए आई थी, अब इनका इतना मन लगा है यहाँ पे कि ये लगभग 5 साल से यहाँ पर हैं। किस तरह का अनुभव है आपका यहाँ पे इन लोगों के साथ, जो शायद लोग अपने घरों से दूर हैं उनके साथ आप रह रहे हैं, उनके लिए खाना बना रहे हैं, किस तरह की फीलिंग आती है? फीलिंग तो अपने घर जैसी ही होती है, कोई ये थोड़ी की सदस्य चेंज हो जाते हैं, खाली छाया ही चेंज है। जैसे अपने
अपने घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं वैसे यहाँ भी। तो किस तरह का आप लोग ध्यान रखते हैं, खाना बनाते हैं तो इनके मैं लिए तो खाना बनाती हूं। किस तरह का ध्यान रखते हैं खाना बनाने में इन लोगों के लिए? खाना जो ज्यादातर ये लोग बोल देते हैं कि ये चीज बनानी है तो वो भी बनाती हूँ, कभी कभी अपनी मर्जी से भी मैं बना देती हूँ खाना, क्योंकि यहाँ सुबह नाश्ते में कभी पराठे दलिया मिल जाता है, कभी सिवैया मैक्रोनी पास्ता ऐसे सब मिलता है, और लंच में तो दाल चावल सब्जी रोटी, अब गर्मी आ गया तो गर्मी में दाल चावल सब्जी रोटी दही ये सब मिलता है, शाम को दूध और सब्जी रोटी मिलती है इन लोगों को। खाने से इनको कोई शिकायत नहीं, अगर होगी भी तो यही बता सकते हैं जी। खाने से कोई शिकायत तो नहीं, और मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर हमें कोई ना कोई शेयर जरूर करता, किसी ने अभी तक इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं बताई। और जिस तरह से यहाँ पे लोगों को दवाई दी जाती है, हेल्थ का भी इश्यू है, तो कुछ ऐसा है कि मसाले कम ज्यादा डालने हैं इस तरह की कुछ? मसाले नेचुरल मसाले बिल्कुल होते हैं यहाँ, बिल्कुल सादा खाना बनता है, हल्की नमक हल्का मिर्च तेल भी ऑयल भी बहुत कम डालते हैं, ऑयल वगैरह सब इस हेल्थ हेल्थ की वजह से थोड़ा ध्यान रखा जाता है खाने का, कि किस तरह का हाइजीनिक खाना इनको यहाँ पे दिया जाए। और कुछ खास याद आता हो इन 5 सालों में, कभी कोई बात हुई हो यहाँ पे जिसने आपको प्रेरणा दी हो या कुछ और ज्यादा लगाव हो गया हो यहाँ से? लगाव तो है ही नेचुरल, ये तो कोई भी यहाँ काम करेगा ना उसे लगाव होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और रही आपस में थोड़ा कुछ हो जाए वो तो होता है घर में, हर घर में होता है, वो भी यहाँ भी हो जाता है कभी कदर, वैसे बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, कभी और सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, और किसी को मेरे से शिकायत है या नहीं मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे किसी से शिकायत नहीं, इनको किसी से कोई शिकायत नहीं। और सारे कभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, मुझे अपनी फैमिली से ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि पहले मैं अपने घर महीनों रह के आती थी अपनी मम्मी के घर, अब मैं बिल्कुल जाती हूँ 5 सालों में तो बस 5 दिन 2 दिन 1 दिन के लिए जाती हूँ। आपका अपना घर कहाँ पर है? हमारा अपना घर कानपुर में है, कानपुर में है, मम्मी वहीं पर है? मम्मी वहीं पे है, मम्मी मेरी, जबकि उनको शिकायत है मेरे से कि अब तुम्हारे माँ बाप वहीं है, हम लोग कुछ नहीं है ये कहती है वो। तो आज हम यहाँ पे, आपको पता है कि मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इन लोगों की सर आप राय जान ली, आप कैसे याद करते हैं अपनी माँ को? मम्मी आपकी वहाँ पर हैं, उनको आपसे शिकायत भी है तो मम्मी की? मम्मी तो बहुत अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं कि मैं उनके बारे में क्या बताऊँ, कुछ थोड़ा बताएं सुनने वालों को। जबकि वो बहुत हम बहुत गरीब फैमिली से हैं, मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, फिर भी उन्होंने मेरी सारी जरूरतें पूरी करी है, मुझे बहुत प्यार दिया है, कभी डांटा नहीं कभी मारा नहीं, यानी मैं उनके बारे में क्या कहूँ, बहुत अच्छे। और मम्मी की कोई बात याद आती हो कभी बचपन में कोई बात हो? मम्मी की बचपन में हम शैतानी करते थे, जैसे हम किसी के, हमारे घर टीवी नहीं था तो हम किसी के घर टीवी देखने जाते थे, तो फिर उनको गुस्सा आता था, जैसे हम कभी कभी टीवी देखने में इतने मसलूक हो जाते थे कि ऐसा लगता था कि हम देखते ही रहे, और रात हो जाती थी तो फिर घर आते थे तो मम्मी डांटती थी, तो हमारे दादा बहुत अच्छे थे, हम अपने दादा के बिस्तर में घुस जाते थे, ठीक है सुबह झूठ मूठ बहाना करते थे मम्मी से डरने के कारण कि ऐसा ना हो कि मम्मी डांटे, इसलिए हम आग मूंद के पड़ जाते थे चद्दर ओढ़ के कि मम्मी मेरी ना डांटे, और जब हम सुबह उठते मेरे दादा, यानी मम्मी कुछ बोलने को होती मेरे दादा सपोर्ट कर देते, इस तरीके मेरी मम्मी ने मुझे यानी डांट दिया है लेकिन मारा कभी भी नहीं, और आज भी बहुत ज्यादा प्यार करती, बहुत ज्यादा प्यार करती है। कोई ऐसी बात जो आपने अपनी मम्मी से सीखी हो और जिंदगी में बहुत काम आई है कुछ ऐसा? हाँ, मम्मी से तो बच्चे तो अपने माँ बाप से ही सारा कुछ सीखते हैं ना, जैसे कि मैं अपनी मम्मी के घर कभी खाना वगैरह नहीं बनाती थी, यानी मैं अपने घर में अकेली हूँ जी, 2 भाई है मेरे, मैं अकेली हूँ तो मुझे सब लोग कुछ ज्यादा प्यार करते थे तो मुझसे कोई काम नहीं करवाते थे, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मैं अपनी ससुराल आई तो मेरी ससुराल में जैसे कि कोई ऐसी चीज बोली, जैसे कि करेला बोला कि करेला बनाओ, ठीक है जी, तो जब मैंने कभी बनाया ही नहीं था तो मुझे कैसे पता होगा करेला कैसे बनता है, ठीक है मैं बनाई और वो कड़वा था, तो मेरे ससुर जी ने कहा कि तुम्हारी माँ ने यह सिखाया, तो मैं बहुत फूट फूट के रोई कि काश अपनी मम्मी के साथ मैं कुकिंग करी होती तो शायद आज मेरी मम्मी के ऊपर ये ब्लेम ना आता।
जी, तो ये वो बात है जो हमारे साथ ये शेयर कर रहे हैं, और उम्मीद है कि कोई बात नहीं, अभी भी इस तरह की बात है, ये अपनी मम्मी से सीख सकती हैं। और अब तो काफी टाइम से खाना बना रही हैं, इसलिए अब तरह इस तरह की, अब इनको सब कुछ आ गया, कोई कुछ सुनने को नहीं मिलता। ये भी बहुत खुश है, ये अच्छा लगता है देख के कि जो यहाँ का सपोर्टिंग स्टाफ है और जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं उनसे आपको प्यार है, उनके लिए आप काम करना चाहते हैं, और मजा आता है यहाँ पे। जी, यहाँ कुकिंग ही नहीं करती मैं, हो सकता है कोई ऐसा काम नहीं है जो मैंने नहीं करा इस उम्र में। जी, यहाँ पे इन्होंने सब कुछ किया है, इन लोगों के लिए प्यार है। नीलम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। चलिए, मैंने आपको बताया था हमारे साथ और भी स्टाफ यहाँ पे हैं। अब हमारे साथ है ज्योति जो यहाँ पे काम करती हैं, और वो भी डेडिकेशन और डिवोशन के साथ इन लोगों के साथ काम कर रही हैं काफी टाइम से हैं। ज्योति, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, और पहले तो आपको मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और थोड़ा सा बताएं कब से हैं यहाँ पे और क्या काम करते हैं। मेरे को यहाँ पे 8 महीने हो चुके हैं और मैं यहाँ पे सफाई करती हूँ, और यहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, मुझको प्यार करते हैं, और सबसे खास बात ये है कि अगर मैं कोई काम ना करूँ तो अगर मुझ पर कोई गुस्सा भी होता है, अगर मैं हंसती हूँ ना तो वो चुप हो जाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अगर कोई काम ना करें तो भी डांट थोड़ी कम पड़ती है। कम पड़ती है क्योंकि मैं हंसने लगती हूँ तो वो चुप हो जाते हैं मेरी ऐसी से। देखिए, ये कुछ ये बहुत ईमानदार लोगों में से हैं जो अपनी बातें इस तरह से शेयर कर देते हैं। ज्योति, कैसा लगता है इन लोगों के साथ रहना, यहाँ पे सब लोग अपने घरों से दूर हैं और उस उम्र में है जहाँ पे शायद इनको अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहिए था और किसी वजह से मिल नहीं पा रहा है। मेरे को ना सब लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार के साथ हूँ। सब अंकल अंटिया जितने भी है ना, सब लोग मुझसे अच्छे से बातें करते हैं। अगर जैसे किसी चीज में गुस्सा हो ना तो मुझे कोई वो नहीं होता क्योंकि वो मेरी बात मान लेते हैं, बात मान लेते हैं, ये ध्यान रखते हैं। और आपका अपना घर कहाँ पर है? मैं तो यहीं पे रहती हूँ, फतेहपुर बेरी में। और घर से किस तरह का सपोर्ट है? घर पे कुछ लोग कहते हैं कि ओल्ड एज होम में क्यों काम करते हो, ऐसा कुछ कभी किसी ने कुछ कहा हो? नहीं, ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि पहले मेरी बहन भी यहाँ पे 2-3 साल काम कर चुकी है, और घर पे भी मेरे सब लोग बहुत अच्छे हैं क्योंकि मेरी मम्मी से मैंने पूछा कि मम्मी मैं वहाँ पे काम करूंगी ओल्ड एज होम में, मम्मी ने यह कहा कि ठीक है जैसी तेरी मर्जी। वैसे मेरे घर वाले ने कुछ नहीं बोला है, घर वाले सब खुश हैं। घर वाले सब खुश हैं। आप क्या शेयर करना चाहते हैं आज अपनी मम्मी के बारे में? मम्मी कैसी हैं? बहुत प्यार करती हैं? मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत प्यार करती है, और जब मेरी मम्मी सुबह ड्यूटी पे जाती है तो पहले मुझे उठाती है, मुझे बिस्तर में ही चाय पिलाती है, इतना प्यार करती है मम्मी मेरी। भाई, ये तो खास बात है, बिल्कुल मम्मी इनकी इसलिए अच्छी बता रही है ये कि इनको बैटरी मिल जाती है, क्या बात है। नहीं, वैसे भी मम्मी बहुत प्यार करती है मेरे को क्योंकि मैं घर में सबसे ज्यादा छोटी हूँ ना, तो मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, हर चीज में सपोर्ट करती है। और मम्मी किस तरह से ध्यान रखते हैं कि कभी ऐसी दिक्कत तो नहीं आती कि मैं लड़की हूँ तो मम्मी कम प्यार करे या कुछ ऐसी बात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि हम 3 बहनें हैं, भाई था वो एक्सपायर हो चुका है, तो मम्मी तीनों बेटियों को बराबर प्यार करती है, बट मैं छोटी हूँ तो मुझे ज्यादा करती है, थोड़ा ज्यादा प्यार मिलता है इनको, छोटे होने का कुछ फायदा होता है। हालांकि कई बार नुकसान भी होते हैं फैमिली में, पिटाई भी बहुत होती है बड़ों की वजह से, लेकिन मुझे डांटती नहीं है ना ही पिटाई करती। जी बिल्कुल, इनको बड़ा फायदा हो रहा है छोटे होने का। ज्योति, अच्छा ये बताएं कि आपकी मम्मी की कोई बात या कोई शरारत याद आती हो, जो कुछ शायद मम्मी से आपने कभी मम्मी को तंग किया और मम्मी ने बहुत ठीक से आपको समझाया हो? ऐसी तो कोई बात नहीं है क्योंकि पता है क्या, मम्मी से मैं कभी इसलिए गुस्सा हो जाती थी क्योंकि मेरी मम्मी दूर जाती है ड्यूटी करने, तो तब वो मेरा फोन ना उठाए तो तब मुझे ज्यादा वो होती है, मम्मी से मैं गुस्सा हो जाती हूँ कि मम्मी आपने फोन क्यों नहीं उठाया, मैं इतने कब से फोन कर रही हूँ आपके पास, और कभी जैसे कि आने में देरी हो जाए तो तब मैं मम्मी से गुस्सा हो जाती थी। वैसे मम्मी को मेरे को मनाना आता है, मम्मी को मनाना आता है। और कोई गिफ्ट वगैरह ना दे मम्मी तो कुछ ऐसा कुछ होता है? नहीं, कुछ मंगवाया और आपने मम्मी ने नहीं दिया तो? अगर मैंने मम्मी से आज ये बोला है कि मम्मी मुझे वो चीज चाहिए तो कल मेरी मम्मी मुझे वही चीज ला के देगी क्योंकि प्यार बहुत करती है। भाई, ये ज्योति हैं जो अपनी बातें दिल खोल के शेयर कर रही हैं और बता रही हैं कि मम्मी इनको बहुत प्यार करती हैं और सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। हम विश करते हैं, ऐसी दुआ करते हैं कि हर व्यक्ति को इस तरह की माँ मिले। माँ हमेशा अच्छी होती है, कुछ कंडीशंस में या कुछ हालात में शायद परिस्थितियां अलग होती हैं, बहरहाल वो एक बिल्कुल अलग विषय है, उस पर हम
आज बात नहीं करेंगे, आज हम आपके साथ मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, ओल्ड एज होम में हैं, यहाँ पे स्टाफ के साथ बात कर रहे हैं, ज्योति और नीलम, जो नीलम यहाँ पे खाना कुकिंग करती हैं और भी काम, ज्योति यहाँ पे क्लीनिंग का काम और गार्डनिंग का काम भी करती हैं। ज्योति, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और कुछ मैसेज देना चाहेंगी अपनी मम्मी को रेडियो के थ्रू? मम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये है ना, ये अल्टीमेट मैसेज है जो वो देना चाहती हैं, और शायद हर माँ ये सुनकर बहुत खुश होगी। ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये ज्योति हैं और जो हमारे साथ बात कर रही थी। अब हम बात करेंगे यहाँ की असिस्टेंट रेजिडेंस वार्डन विनीता हमारे साथ हैं, जो इस पूरे होम की केयर करती हैं, और काफी सारी जिम्मेदारियां इनके हाथ में हैं, उन सब की भी बात जरूर करेंगे। विनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मदर्स डे स्पेशल प्रोग्राम में। और कैसा लग रहा है कि ये जो कुछ बताएं, पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताएं हमारे सुनने वालों को। मेरा नाम विनीता दासगुप्ता है और मैं अनमैरिड हूँ, और मैं यहाँ एक महीने से हूँ, और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पेरेंट्स नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स और कुछ रिलेटिव्स के साथ ही रह रही हूँ। पेरेंट्स के साथ रह रही हैं, मतलब इनके अपने पेरेंट्स नहीं है तो जो यहाँ पे लोग हैं उनके साथ इन्हें बहुत अच्छा लगता है। विनीता, बताएं कि किस किस तरह की जिम्मेदारियाँ यहाँ पे आपके पास हैं अभी? जिम्मेदारियाँ होकर भी भारी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है, सब अपने आप खाना खाते हैं, खाना लेते हैं, मुझे सिर्फ उनको देखना है या उनसे बातें शेयर करनी है या प्रेयर करनी है उन लोगों के लिए, या उनके साथ जुड़े रहना है उनके साथ, इसलिए कोई ऐसी जिम्मेवारी खास नहीं लगती। बस सपनों के बीच में रहना, वही जैसे फैमिली में होता है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं लगता कि कोई बोझ है। और जैसे कि पूरा होम है, लगभग 17 लोग यहाँ पे रह रहे हैं और स्टाफ है, तो कभी कभी कुछ किस तरह की दिक्कतें इस तरह के होम्स में आती हैं, कुछ बताना चाहें थोड़ा सा? मैंने तो अभी तक देखा है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हम लोगों को जिस चीज़ की जरूरत होती है हम अपने सीनियर्स लोगों से बोल देते हैं, वो तुरंत आ जाती है। मतलब अगर हमने आज बोला है तो कल या परसों में वो चीज़ आ जाती है जिसकी ज़रूरत है। और बाकी यहाँ पर सब लोग मिलनसार हैं एक दूसरे के साथ, हम लोग लंच पे, ब्रेकफास्ट पे और डिनर पे सब साथ बैठते हैं, तो ऐसी कोई परेशानी तो आई नहीं। और इस होम की जो फंडिंग है या यहाँ के जो एक्सपेंसेज हैं वो कैसे होते हैं? वो चैरिटेबल हैं, कुछ हमारी सोसाइटी अरेंज करती है, कुछ हमारी सीनियर डोनर्स हैं वो लोग देते हैं जी। और इन लोगों के साथ रहना जो शायद अपनी फैमिली से दूर है, ये सवाल हमने बाकी लोगों से भी पूछा, और किस तरह की फीलिंग है ये वाली कि आप उन लोगों के साथ हैं या उनकी सेवा कर रही हैं, मदद कर रही हैं, जो शायद अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ अब नहीं है जबकि उनको होना चाहिए था? मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी अलग लोगों के साथ हूँ, मुझे तो बिल्कुल ये लोग सब फैमिली की तरह ही लगे, कि जैसे अपने चाचा ताऊ होते हैं, एक ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी पुराने टाइम में सुनते थे, तो यहाँ वो ज्वाइंट फैमिली मुझे मिल गई है, तो इसलिए तो ऐसा कुछ अजीब नहीं लगता। और बस यही है कि हाँ, कहीं कोई चाचा है या कोई ताऊ है, अगर हम उस नजरिए से देखें तो सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, और सब हंसते बोलते रहते हैं। मुझे एक महीने में ही नहीं पता चला कि मैं मतलब बोर हुई हूँ या परेशान हुई हूँ। इन लोगों का नेचर किस तरह से है? बहुत जैसे कहते हैं कि काफी बड़ी एज के भी लोग हैं यहाँ पे, तो नेचर वाइज कैसा है कि सब लोग कभी कुछ नाराज हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में? नाराज तो देखिए हर फैमिली में जहाँ दो बर्तन होते हैं, पर वो है सिर्फ नाराजगी तक ही रहता है, पर दो मिनट बाद उनकी नाराजगी कहाँ चली जाती है पता नहीं, वो बस यही है कि थोड़ी देर बोलते हैं बात खत्म हो जाती है, पर हम उससे अभी तक किसी ने कोई नाराजगी नहीं जाहिर करी। यहाँ पे इन लोगों की जो इंटरटेनमेंट है उनके लिए, मनोरंजन के लिए होम किस तरह की सुविधाएं देता है? देखिए जो डोनर्स आते हैं, जो ग्रुप्स आते हैं, वो इनको गाने गाते हैं, डांस करके दिखाते हैं या कुछ शेयर करते हैं, गेम्स खिलाए जाते हैं, उसके अलावा डेली एक्टिविटी में प्रेयर है, और सब लोग साथ बैठ के थोड़ा शेयर करते हैं और टीवी वगैरह देखते हैं। और कुछ मंथली मीटिंग्स या कोई गैदरिंग होती है जहाँ इनसे पूछा जाता है अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो लोगों से? जी हाँ, वो तो पूछा जाता है, और जब जिनको प्रॉब्लम होती है वो मुझे या जो हमारी बड़ी मैडम है उनको बता देते हैं।
और सीनियर्स का सपोर्ट किस तरीके से है यहाँ पे, सीनियर्स कितना सपोर्ट करते हैं? सीनियर्स का काफी सपोर्ट है, उन्हीं की बदौलत ये संस्था चल पा रही है। सीनियर्स लोग ही देख पा रहे हैं और डोनर्स आते हैं, वो लोगों की वजह से ही चल पा रही है। तो ये है विनीता जो हमको अपनी बात बता रही है कि काफी सारी जिम्मेदारियां हैं लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ नहीं है, यहाँ पे भारी नहीं लगती उनको और काफी अच्छा फील हो रहा है। और विनीता आप भी कुछ बताना चाहें माँ के बारे में, मम्मी आज हम लोग मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, मेरी मदर जो थी काफी अच्छी थी, 2013 में उनकी डेथ हुई, वो पैरालाइज रही 7-8 साल। जी, यादें तो बहुत सारी उनकी, बट ऐसी कोई याद नहीं है जो खराब याद हो, सारी यादें ऐसी हैं। हाँ, उनको मैंने मिस बहुत करा 2013 से अभी तक, मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। कुछ ऐसी कोई खास बात या जब आप छोटे थे तब की कोई बात हमारे सुनने वालों को शेयर करना चाहें? ऐसा तो एक्चुअली मम्मी बहुत ध्यान रखती थी, बहुत केयर करती थी, सबसे छोटी थी मैं घर में, तो मुझे कभी जैसे सब लोगों के घरों में होता है कुकिंग वगैरह सीखते हैं या कुछ करते हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। यहाँ तक कि मुझे अभी भी ऐसी कुकिंग नहीं आती है। मम्मी बैठे रहते थे, पैरालाइज थे, बट मम्मी मुझे बताते जाते थे ऐसे कर लो ऐसे कर लो, क्योंकि वो बना नहीं पाते थे पर मुझे सजेस्ट करते रहते थे कि इस तरीके से तेल डालना है, इस तरीके से सब्जी छौंकनी है, इस तरीके से रोटी बनानी है। और वो भी चाहती थी कि मैं सब कुछ उनके पास रख दूं और वो बना के मुझे दे दें, वो ये नहीं चाहती थी कि मैं बनाऊं। उस हालत में भी वो मेरी मदद करना चाहती थी। और कोई ऐसी खास बात जो मम्मी ने कभी आपको बचपन में बताई और शायद आपको समझ ना आई और अब समझ में आ गई हो? हाँ, मम्मी कहते थे कि समझदार बनना चाहिए, पर मैं मम्मी की ज्यादा लाडली थी तो मम्मी के साथ ही रहती थी, तो अब जब मम्मी नहीं है तो वो चीजें बहुत याद आती हैं कि जैसे वो समझाया करते थे दुनिया की उतार चढ़ाव, कुछ नीच बुराई अच्छाई जो हर माँ सिखाती है, बट तो उस समय समझ नहीं आता जब तक माँ पास होती है, जब माँ चली जाती है तब समझ में आता है कि ये सब दुनिया में है। लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है जो शायद हमें उस टाइम समझ में नहीं आता जब हमें बताया जाए कहा जाए, लेकिन कहते हैं कि आवश्यकता जब पड़ती है तो चीजें समझ में आने लगती हैं। विनीता चलते चलते वक्त थोड़ा कम है हमारे पास, कुछ शेयर करना चाहें और एक बहुत अच्छी चैरिटी में हैं आप लोग, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हैं और ये जो एक कॉज है ये बहुत नोबल कॉज हम कह सकते हैं इसे। रेडियो उड़ान के पूरे लिसनर्स और रेडियो उड़ान की पूरी टीम यहाँ पे सब काम करने वालों को और रहने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आपकी स्प्रिट जो है उसके लिए भी हम लोग विशेष करते हैं। कुछ कहना चाहते हैं सुनने वालों को? बस मैं ये कहना चाहूंगी आजकल के बच्चों से कि वो अपने माँ बाप को ऐसे ना छोड़ेंगे जिनको होम की जरूरत पड़े। आजकल बहुत से माँ बाप कह नहीं पाते कि उनको क्या तकलीफ है और बच्चे जो है अपनी सहूलियतों के लिए उनको दूर कर देते हैं या उनसे दूर हो जाते हैं, और अपना अपने बच्चों को देखने के लिए आज आप अपने माँ बाप के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं, ऊपर वाला ना करे कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो। तो आप अपने माँ बाप को जितना प्यार देंगे, वो माँ बाप जो हैं वो 10 बच्चे पाल लेते हैं पर 10 बच्चे मिलके एक माँ बाप को नहीं पाल सकते, ये सुन के और देख के बहुत तकलीफ होती है। बिल्कुल, जिन माँ बाप ने कई सारे बच्चों को एक साथ पाला वो सब बच्चे मिलके 2 माँ बाप को नहीं पाल पाते, ये बहुत बुरा लगता है सबको, हमें भी आपको सबको लगता है। और शायद यही वो बात है जिसको हम भी कोशिश करते हैं वक्त समय टाइम टाइम पे, जब कोशिश करें आपकी ऐसा वक्त कभी ना हो, क्योंकि कहते हैं ना जैसा आप करेंगे आपको भी वैसा ही मिलेगा। विनीता बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतना टाइम देने के लिए और बातें बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये है ओल्ड एज होम। जी हाँ, मैंने आपको बताया कि हम फतेहपुर बेड़ी में आज फ्रेंड इन नीड सोसाइटी में हैं, जहाँ पे एक ओल्ड एज होम है क्रिश्चियंस का, ये ओल्ड एज होम। और खास बात ये कि यहाँ पे मेल फीमेल दोनों रहते हैं, उनसे हमने आपकी बात कराई, यहाँ के सपोर्टिंग स्टाफ से आपकी बात कराई। उम्मीद है कि आपको ये वाले ये जो हमारा एक एपिसोड था, एक खास मुलाकात थी इन लोगों के साथ, आपको पसंद आई होगी। बहरहाल आपको फिर से एक बार मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ध्यान रखें कि आप अपने माँ का, अपने पापा का, अपनी फैमिली का सपोर्ट रखें, उनका ध्यान रखें। और ये बात हकीकत है
कि अगर आप उनका ध्यान रखेंगे तो शायद आपकी आने वाली जनरेशन आपका ध्यान रख पाएंगी। बहुत जरूरी है। इसी मैसेज के साथ, इसी संदेश के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, बहुत ही प्यारे से गाने के साथ। फिर कभी दूसरे प्रोग्राम में, किसी और इवेंट में आपके साथ आऊंगा, फिर कुछ और खास आपके लिए लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइट, हैप्पी लिसनिंग। माँ माँ होती है, सृजन किया जिसने मेरा, सृजन किया जिसने मेरा, पर वो ब्रह्मा नहीं है। सृजन किया जिसने मेरा, पर वो ब्रह्मा नहीं है। विष्णु बन पल पल वो मेरा पालन भी करती है, और बनशिव सदा मेरी खामियों का संहार भी करती है। अगर वो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है तो फिर क्या होती है? अगर वो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है तो फिर क्या होती है? माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। कोख में रखती दर्द को सहती, कोख में रखती दर्द को सहती, और नाम पिता का देती है। होती है जब मुझ पर गुस्सा, होती है जब मुझ पर गुस्सा, वो खुद ही रो देती है। मुझको आई प्यारी सी निंदिया, मुझको आई प्यारी सी निंदिया, इसलिए वो पूरी रात नहीं सोती है। माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। बिन पढ़े वो मेरे होठ, दिल और पापा की आंखें भी पढ़ लेती है। बिन पढ़े वो मेरे होठ, दिल और पापा की आंखें भी पढ़ लेती है। हो ना जाए परेशान हम, हो ना जाए परेशान हम, वो परेशानी खुद तक रखती है। होने को है वो घर की अन्नपूर्णा, होने को है वो घर की अन्नपूर्णा, पर कई बार वो भूखी सोती है। माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। सुनाई लोरियां जिसने, वही ताने सुनाते हैं। सुनाई लोरियां जिसको, वही ताने सुनाते हैं। सिखाई गिनती जिसको, वही गलती गिनाते हैं। सिखाई गिनती जिसको, वही अब गलती गिनाते हैं। सुनाई लोरियां जिनको, वही ताने सुनाते हैं। सिखाई गिनती जिनको, वही गलती गिनाते हैं। है बोलना जिसने सिखाया, है बोलना जिसने सिखाया, वही चुपचाप सहती है। है बोलना जिसने सिखाया, वही चुपचाप सहती है। माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। इस तरह मिले जिस
طرح ملے جس طرح کبھی ہم جدا نہ تھے تم بھی کھو گئے ہم بھی کھو گئے